अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैनेडी-लुगार यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम के बारे में, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप टाइप एक्सचेंज प्रोग्राम है। एक्सचेंज प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आपने 5-6 माह या 1 साल का जितने का भी जो है स्टडी पीरियड होता है, उसमें आपने किसी जो है दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके या दूसरे कॉलेज स्कूल में जाके पढ़ना होता है। उधर आप उनका जो है कल्चर वगैरह सीखते हैं। तो ये जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है। इसमें आप जो है अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका के जो हाई स्कूल हैं उनमें आप अपनी स्टडी जो है जारी रखेंगे आगे। तो इसमें जो है मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से लोग जो है किस किस क्लास के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे और जो है अप्लाई कैसे करना है। तो आपने जो है वीडियो पूरी देखनी है, उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के एडमिशन, जॉब, स्कॉलरशिप्स, एंट्री टेस्ट और इस तरह के जो है एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में आपको मुकम्मल तौर पर आगाह रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस जो है ये प्रोग्राम जो है इसको यस भी बोलते हैं, यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम, जो कि अमेरिकन हुकूमत ने ये जो शुरू किया हुआ है और ये तकरीबन 42 कंट्रीज़ में है। तो इसका जो है आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। तो पहली बात यह है कि आपको जो है अमेरिकन होस्ट फैमिलीज़ के साथ रहने का मौका मिलेगा। आप उधर जाएंगे तो आप अमेरिकन फैमिलीज़ के साथ रहेंगे। उसके बाद आपको जो है अमेरिकन जो हाई स्कूल हैं, यूएसए के हाई स्कूल हैं, उनमें पढ़ने का मौका मिलेगा। उसमें आप उसके बाद आपको यूथ लीडरशिप प्रोग्राम में जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आपको जो है यूएसए का कल्चर एंड सोसाइटी जो है उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपकी जो है इंग्लिश इम्प्रूव होगी, इंग्लिश जो कि आजकल इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो वो आपकी जो है मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है अमेरिका में और अमेरिका के अलावा, क्योंकि यहाँ पे 42 कंट्रीज़ के जो लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो आपके दूसरे कंट्रीज़ के जो है स्टूडेंट्स उनको अपना दोस्त बनाने का मौका मिलेगा। और उसके बाद जो है आप अमेरिकन लोगों को बताएंगे कि आपका जो है कंट्री, आपका जो है कल्चर, यानी कि आप अपने मुल्क का जो है कल्चर उसको भी जो है एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो ये जो स्कॉलरशिप है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये तकरीबन आपके तमाम एक्सपेंसेस जो हैं इसमें शामिल हैं, जिसमें जो है एयर फेयर शामिल है, यानी कि आपका जो एयर ट्रेवल होगा, उसके बाद जो आपका ये वीज़ा बनेगा यूएसए का वीज़ा वो वाला, उसके बाद जो है उधर हॉस्टल वगैरह के जो जितने भी अखराजात हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये आपको सारे मिलेंगे। उसके अलावा आपको जो है $125 जो है स्टाइपेंड भी मिलेगा पर मंथ, यानी कि एक महीने का आपको $125 मिलेंगे, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के 19,500 रुपये बनते हैं। तो और ये 1 साल के लिए है। अभी जो है मैं बताता हूँ कि कौन कौन से लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो है 9th और 10th के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या ओ लेवल में भी 9th और 10th होती हैं। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ 9th और 10th के स्टूडेंट्स जो मौजूदा तौर पर 9th और 10th में हैं अभी, तो उनके एक तो जो है पिछली जो क्लास है 9th वालों की 8th और 10th वालों की 9th, उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए तमाम सब्जेक्ट्स में से, खुसूसन इंग्लिश में से, और ओवरऑल भी 60% मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद जो है उनकी एज जो है वो, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए 1 अगस्त 2003 से ले कर 1 अगस्त 2005 तक। तो 1 अगस्त 2003 से 1 अगस्त 2005 के दरमियान कोई भी अगर आपकी जो है डेट है, डेट ऑफ बर्थ, तो तब आप जो लोग हैं तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने कभी जो है यूएस में अब कभी ना गए हो, ट्रेवल ना किया हो, उसके अलावा आपके पास कोई भी जो है सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए यूएसए की, सिर्फ आप जो है पाकिस्तान में ही आप लोगों ने स्टे किया हो, तो ये वाली रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा काफ़ी जो बाकी चीज़ें हैं, आपके काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, तो आप जो है वो कमेंट्स में लिखते जाएंगे जो जो आपके क्वेश्चंस हैं, उसके फिर मैं उनकी एक न्यू वीडियो बना दूंगा, आपका जो है हर क्वेश्चन उसका एक न्यू वीडियो में जो है जवाब दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये वेबसाइट भी नज़र आ रही है इधर जो है yespk.org, या फेसबुक पे भी इनका ये जो है पेज, इसका नाम नज़र आ रहा है। और अगर मेरा जो है कमेंट में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, तो वहाँ भी अगर आप जो है मुझसे पूछेंगे कि हमें यस स्कॉलरशिप जो है उसका हमें जो है जो ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म वो वाला चाहिए, तो मैं आपको उधर भी भेज दूँगा व्हाट्सएप पर, और इनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड हो सकता है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है फॉर्म का, तो वो आप जो है डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप उसको फिल करेंगे, फिल करके आपने साथ जो है मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स वो लगाने हैं, और उसके ऊपर एड्रेस लिखा होगा, उस एड्रेस पे आपने जो है फॉर्म भेज देना है। उसके बाद फिर आपका जो है टेस्ट होगा,
टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने गवर्न करनी हैं, तो वो आपसे ले के उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। और कोशिश करें आप इसमें जो है लाजमी लें, क्योंकि ये आपको अभी से जो है स्कूल लेवल से इंटरनेशनली आपको पता चलेगा कि जो है, और हम क्योंकि अमेरिका वगैरह या जितने भी अच्छे कंट्रीज हैं तरक्की याफ्ता, तो हम उनसे काफ़ी पीछे हैं, तो आपको अभी से पता चलेगा कि हमारे में क्या खामियां हैं और वो लोग किस तरह से रह रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्यों वो आगे हैं हमसे। तो आप जो है मुकम्मल तौर पे उनका कल्चर सीखेंगे, आप अपना कल्चर भी उधर देखेंगे कि हमें और उनमें कितना डिफरेंस है, लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो इसके लिए आप जो है लोग लाजमी अप्लाई करें। आप कुछ भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो कमेंट में आप जो है लाजमी लिखें, बेशक एक है, दो है, पाँच है, इसके हवाले से। तो मैं आपको इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन के जो है आंसर दे दूंगा। शुक्रिया।